कि इसके ज़रिए मैं उनके बीच में जा सकता था, मैं उनके बीच में जाकर उनकी मदद करना। और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो हरासमेंट है यूनिफॉर्म नहीं होने की वजह से जो पेनल्टी लगाना, उनको फ़ाइन लगाना था, तो उनकी एक मदद करके उनकी पेनल्टी से रोकना उनको मेरा एक मेरी सोच थी। उसके साथ साथ मेरी दूसरी सोच ये है कि मैं इसके ज़रिए यूनिफॉर्म देने के बाद उनके ऑटो के पीछे एक स्टिकर लगवा रहा हूँ जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी के 3 गारंटी स्कीम का जिक्र है। उसमें कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि अगरचे वो नेक्स्ट 2023 की जो आने वाले इंतखाबात हैं उसमें हुकूमत में आती है तो ये 3 गारंटी स्कीम पे अमल करेगी। पहला, हर घर के महिला जो APL हो या BPL हो उनको हर माह 2,000 रुपये मुफ्त वजीफे के तौर पे देंगे। ऐसा एक साल में 24,000 रुपये घर की औरत को आएंगे, उनके अकाउंट में आएंगे डायरेक्ट, उससे बड़ी हेल्प होती है गरीब लोगों को। दूसरी स्कीम ये है कि हर घर को 200 यूनिट करंट फ्री, बिजली फ्री, ये भी बहुत अच्छी स्कीम है जिससे गरीबों को बहुत हेल्प होता है। तीसरी स्कीम गवर्नमेंट की कांग्रेस पार्टी की ये है कि वो हर BPL कार्ड होल्डर को 10 किलो चावल महीना फ्री दे। सर अभी जो यहाँ पर MLA कैंडिडेट है आप ऑलरेडी आप भी टिकट मांग रहे हैं, अगर आपको आगे अगर टिकट भी नहीं मिला तो पब्लिक का सेवा ऐसे करते रहेंगे सर? देखिए मैं हमेशा से पब्लिक में हूँ, पब्लिक फील्ड में हूँ, काम कर रहा हूँ। टिकट मिला ठीक है, नहीं मिला तो मैं कांग्रेस में बाकी रहूँगा, मैं अपने हैसियत से अपने काम करता रहूँगा, लोगों की सेवा करता रहूँगा। नहीं पब्लिक का स्कीम तो आप 2022-23 में बहुत लाए सर जी, और यहाँ पर जो 3 बार हमारे MLA साहब बन चुके हैं और हर कास्ट में उनका खिलाफ चल रहा सर, इसके बारे में क्या जवाब देंगे सर आप? देखिए और पब्लिक उनके खिलाफ है सर, पूरा मतदाता जो होता है ना वोटर्स, वो किंग मेकर होते हैं, वो जिनको पसंद करते हैं उनको कुर्सी भी बिठाते हैं वोटर, अगरचे वो आदमी को किसी वजह से पसंद नहीं करते तो उनको कुर्सी से उतारने का अधिकार भी उनको है। नहीं 75-80 वोट लेकर ज्योति जीत गए, फिर आप पूरा पब्लिक नकार रही उनको, उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए मैं क्योंकि वो मेरे पार्टी के MLA हैं इसलिए उनके तरफ से नहीं बोलूँगा, मगर मैं ये बोलूँगा कि वोटर्स का बड़ी हिम्मत है, वो किसी को कुर्सी पर बिठा भी सकते हैं, किसी को उतार भी सकते हैं, अगर से वो अच्छे काम करते हैं तो और एक मतलब जिताते उनको। नहीं उनके नकारने का उनका उनके काम से नकार रहे हैं, उनके आदत से नकार रहे उनको। मैं कैसे बोलूँ क्यों पता नहीं वो हमारे वोटर्स के दिल में क्यों जगह नहीं बना पा रहे, कहाँ पे उनसे कमी हो गई, वो उनको सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करना चाहिए उनको। आज ये जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है टारगेट है सर आपका? सर मैं करीब 2,000 ऑटो ड्राइवर्स को देने का टारगेट है, अगर आज कंप्लीट नहीं हुआ तो इंशाल्लाह कंप्लीट नहीं हुआ तो कल भी करूँगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिही व असहाबिही अजमाइन अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र एहसान है कि जनाब अब्दुल मन्नान साहब के दिल में अल्लाह ताला ने एक बात डाली कि हमारे जितने ऑटो चलाने वाले भाई हैं उनका यूनिफॉर्म तैयार करके उनको दिया जा रहा है, ये कार्य खैर है, उन्होंने इसको तय किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका आगाज़ भी हो चुका है दुआ के ज़रिए से, और माशाल्लाह तमाम अहबाब को आने का खर्च भी 100 रुपये के साथ उनका यूनिफॉर्म भी दिया जा रहा है। अल्लाह ताला मन्नान सेठ के इस कार्यक्रम को कबूल फरमाए, दुनिया और आखिरत में इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो प्रोग्राम मन्नान सेठ ने रखा है बहुत काबिल सताइश है कि उन्होंने कमज़ोर मेहनत कश ड्राइवरों के लिए यह जो स्कीम रखी है बहुत खुशी की बात है, और 1,000 ड्राइवर्स को जो है देने का वादा किए हैं और दे रहे हैं, माशाल्लाह लोग भी जमा हैं, हम उनके लिए जो है दुआ गो हैं और उसको कबूल करते हैं। मैं इतना कहते हुए अपनी जगह, मैं ऑटो यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आपका नाम? मेरा नाम मकसूद अली, सैयद मकसूद अली। मीडिया के जानिब से मैं बहुत खुशी के साथ एहसास करना चाहता हूँ कि अब्दुल मन्नान सेठ फाउंडेशन के जानिब से जो आज बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि बीदर ज़िले में अब जो ऑटो ड्राइवरों को जो यूनिफॉर्म था, क्योंकि मैं कल परसों के दिन देख रहा था बीदर के हर जगह पुलिस वालों ने जिसको वर्दी नहीं है जो यूनिफॉर्म नहीं है उनको फ़ाइन डाल रहे थे, तो ऐसे मौके पर
जो फाउंडेशन का मन्नान साहब ने काम किया उठाया है, ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि ऑटो ड्राइवर के पास इस महंगाई के ज़माने में उतना पैसा नहीं है कि यूनिफॉर्म ले और कुछ करे। तो इसी सिलसिले में फाउंडेशन ने एक सोशल काज के लिए उन तमाम ऑटो भाइयों को जो आज यूनिफॉर्म देकर कानून का भी पालन कर रहे हैं और संविधान का जो हक है वो लोगों को दिलाने का भी जो काम कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। आगे आने वाले दिनों में ऐसे ऑटो यूनियन के जो भी मसाइल है, उनके जो भी समस्या है, वो इस फाउंडेशन के जानिब से वो करने का बेड़ा उठाया है। तो मैं हर एक बार आपके मीडिया के तरफ से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। नमस्कार।